गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने पिछले जो मैंने काम करवाया था आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, आप अच्छे से उसको रीड भी कर रहे होंगे और अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो कल मैंने आपको हार्डशिप के बारे में बताया था कि जो माइग्रेट करते हैं उनके लाइफ में कौन कौन सी हार्डशिप्स आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम उनके सामने डिफ़िकल्टीज ही आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को भी मिलती हैं, उनकी लाइफ में जॉय भी आता है। तो आज हम जॉय ऑफ माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जब एक माइग्रेशन क्या होती है, चेन की तरह होती है। तो चेन कैसे बनती है, जैसे फर्स्ट पर्सन है जब वो माइग्रेट करता है और वहाँ पर हैप्पीली सेटल हो जाता है, तो वो अपनी जो फैमिली मेंबर बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वहाँ पर बुला लेता है और वो उसी कंट्री में वो वैसे ही सेटल हो जाते हैं। इसी तरीके से माइग्रेशन बहुत सारे लोगों के लिए हैप्पीनेस भी लाती है, उनको नई नई जगह देखने को मिलती है, नए नए एक्सपीरियंस, क्लाइमेट, वहाँ के बारे में, वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में, वहाँ के कस्टम के बारे में, वहाँ के ड्रेसेस, म्यूज़िक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको नई नई सीखने को मिलती हैं और वो काफ़ी उनको इन्जॉय भी करते हैं, उनको अडॉप्ट भी करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए एनिमल माइग्रेशन। एनिमल माइग्रेशन क्या होती है, जिस तरीके से इंसान माइग्रेट करता है उसी तरीके से एनिमल जो हैं वो भी माइग्रेट करते हैं जब हमारे यहाँ सीज़न चेंज होता है। तो जब सीज़न चेंज हो जाता है तो वो अब जहाँ पर स्नोफॉल्स होती है काफ़ी मात्रा में, तो वो क्या करते हैं, वेदर की वजह से वो वार्मर वेदर को ढूंढने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर उनको वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल होती है, तो बेटर फूड सप्लाई के लिए और यहाँ तक कि अपने सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू यंग वंस, अपने बच्चों को जन्म देने के लिए अच्छे सेफ प्लेस को ढूंढते हुए वो माइग्रेट करते हैं। तो एनिमल डू नॉट फॉलो ए मैप और ए जीपीएस, उनके पास कोई मैप नहीं होता, कोई जीपीएस नहीं होता। व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, क्या होता है जीपीएस, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है और जो आपको ट्रेस करता है, यानी कि आप कहाँ पर हैं। आपके पास आजकल मोबाइल फ़ोन भी हैं तो उसमें भी जीपीएस सिस्टम होता है, आज की आपकी बसेज में आपको हर जगह जो है जीपीएस सिस्टम लगा होता है जिससे आप ट्रेस होते रहते हैं कि इस समय कहाँ पर हैं। तो उनके पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं और डायरेक्शंस फॉलो करते हुए वो वहाँ पर पहुँचते हैं। इसके अलावा उनके पास एक स्पेशल सेंस भी होती है जिसको वो फॉलो करते हैं, जो अपने मम्मी पापा से उनको मिलती है, यानी कि अपने पेरेंट्स से उनको मिलती है। इसी तरीके से कारिबो है, वो क्या है, एक स्नो कवर्ड एरिया में रहता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर काफ़ी मात्रा में स्नो होती है तो वो माइग्रेट कर जाता है वार्मर एरिया में। इसी तरीके से वाइल्ड बीड्स हैं अफ्रीका के, वो भी क्या करती हैं, इन सर्च ऑफ द ग्रीन पोस्चर्स जो हैं, ग्रीन पोस्चर्स की तलाश में वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि वो बहुत सारे क्रोकोडाइल्स से भरी हुई रिवर्स को भी क्रॉस करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये एक माइग्रेशन, ये जो माइग्रेशन है ये सेवन वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड के माइग्रेशंस में से एक मानी जाती है। तो इस तरीके से रिस्क लेकर वो अपने भोजन की तलाश में वो रिवर्स को क्रॉस करते हैं क्रोकोडाइल से भरे हुए। आपको नीचे पिक्चर्स भी दी गई होगी, दिखाई दे रही होगी, ये वाइल्ड बीड्स हैं अफ्रीका के। तो इसके साथ साथ आपको हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, और इसके साथ मैं आपको एक वीडियो भी सेंड कर रही हूँ जो एनिमल माइग्रेशन के ऊपर है, इससे आप और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि एनिमल माइग्रेशन होता क्या है, ठीक है। और इसके साथ आपको पार्ट ए बी और सी आपको फाइंड करना है, ये आपको होमवर्क मिल रहा है, तो आप फाइंड करिए और कल मैं आपको उससे मैच करवाऊँगी और आप अच्छे से इसको रीड भी करना, अच्छे से समझना भी। और इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू। आर माई जीनियस ब्रदर, यस आई एम, बिकॉज आई वॉच makemejenius.com एवरी डे। इट्स टाइम टू वेक अप, वेक अप, ओ वेक अप जिमी, लेट्स गो एंड प्ले आउटसाइड। विंटर ब्रेक डज नॉट मीन दैट यू कैन स्टे इन बेड ऑल द टाइम। It's so cold outside. I just want to stay in my warm and cozy bed and sleep. Oh, it's so cold outside. I wonder what do the animals do to protect themselves from this harsh winter? My teacher told us that most animals hibernate or migrate in winters. Hibernate, migrate, what's that? Jimmy,
Jimmy, get dressed. Let's go and see where animals go to hide. Hey, look up. See those birds? They are flying in a pattern. These birds look like geese. Where are they all going? They may be going in search of food. Why are they not hibernating? They too must be feeling cold. Few of the animals don't hibernate. They go to warmer places to save themselves from cold and to find food. When it gets very cold in the north, the birds just fly away to warmer places down south where they will be able to survive. This is called migration. Oh, then migration is very smart. They don't feel cold and they also get food in warmer places. But how do they know the right direction? I wonder if they too have a compass like mine to check their directions. We had learned to find direction by using the sun or stars during our camping trip. The birds use the position of the sun as a compass. Oh, that's wonderful. Yeah, my teacher told me the same. But you know a bird named waterfowl? It flies in the night and it uses positions of stars to find direction. And few of the birds will also remember the way from their trip last year. You are right. Elephants also migrate by remembering the way. Oldest female elephant remembers fixed landmarks such as rivers and mountain ranges to lead the other members of the herd to food, water and safety. There are many other animals who migrate, but right now, let's migrate home. It's getting late now. This was a very interesting morning.